था कि आईएएस अफसर से उनका दो दिन से कोई संपर्क नहीं हुआ, मगर बाद में पता चला कि वी षणमुगम तबीयत खराब होने की वजह से होम आइसोलेशन में है। जाहिर है मंत्री महोदया की इससे खूब फजीहत हो रही है। एसएसपी को लिखे पत्र में रेखा आर्य ने टेंडर प्रक्रिया में धांधली की भी आशंका जताई थी। रेखा आर्य ने लिखा था कि मानव संसाधन आपूर्ति के लिए टेंडर की प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें गंभीर गड़बड़ियां और धांधली सामने आ रही है। शिकायत करने के बावजूद भी एक्शन नहीं लिया गया। एबीपी गंगा के पास टेंडर का वो दस्तावेज भी मौजूद है जिस पर घमासान मचा हुआ है। ये वही टेंडर का दस्तावेज है जिसे लेकर मंत्री रेखा आर्य और वी षणमुगम के बीच ठंड गई है। L1 की जिस एजेंसी को वी षणमुगम काम देना चाहते हैं, मंत्री को उस पर सख्त एतराज है। अब चूंकि टेंडर डॉक्यूमेंट एक वैधानिक ड्राफ्ट होता है, तो उसे सरकार या सरकार की कोई एजेंसी ही बता सकती है कि निदेशक काम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। किसी की शिकायत पर उसको गलत और सही नहीं ठहराया जा सकता, चूंकि टेंडर बहुत ही तकनीकी चीज होती है, उसको पहले समझना पड़ता है। मामला इतना बढ़ गया कि अब इसमें कांग्रेस भी कूद गई है। रेखा के बहाने ही विपक्ष अब उनकी सरकार को घेर रहा है। जो चिट्ठी है वो राज्य की कानून व्यवस्था पर एक मंत्री का जबरदस्त कटाक्ष है, वो मुख्यमंत्री के प्रति एक स्पष्ट अविश्वास है, और वो ब्यूरोक्रेसी को राज्य के मंत्री हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, अपने उनके साथ समन्वय नहीं कर पा रहे हैं, इसकी स्वीकारोक्ति है, और ये राज्य की जनता के लिए चिंता का विषय है। उत्तराखंड में इन दिनों भाजपा नेताओं और अफसरों के बीच झगड़ा बढ़ गया है। जनप्रतिनिधियों की शिकायत इस बात को लेकर है कि अफसर उनकी सुनते नहीं, मगर बड़ा सवाल यह है कि ऐसी नौबत ही क्यों आई। नेताओं और अफसरों के बीच इस झगड़े में सबसे ज्यादा नुकसान पहाड़ की आवाम को हो रहा है। अब इस मामले में मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को जांच के आदेश तो दिए हैं, लेकिन अब इसकी परिणति क्या होगी और सरकार इस पूरे मामले को कैसे फेस करेगी, कैसे मुख्य विपक्षी दल के प्रहार से बचेगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। और सत्र की कम अवधि को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने त्रिवेंद्र सरकार पर हमला बोला। क्या कहा उन्होंने, दिखाते हैं आपको। ऐसा लगा कि सरकार केवल जो संवैधानिक बाध्यता है उस औपचारिकता को पूरा कर लेना चाहती है, और बाकी उन्होंने अपोजिशन की संख्या के कम होने के का फायदा उठा करके बिल कई पास कर दिए। अब लेबर बिल है, उन बिलों का लोगों के जीवन के ऊपर बड़ा भारी असर पड़ेगा, और मुझे डाउट है उसमें एक बिल इस बात का भी है जिसमें कांग्रेस के समय में एक्ट था, लेबर एक्ट था, कि 100 जिस यूनिट में उद्योग में कर्मचारी काम करते समय काम करते हैं, उसको यदि बंद करना है, किसी को मालिक को बंद करना है, तो उसको परमिशन राज्य सरकार से लेनी पड़ेगी, मैंडेटरी था, वो अपने आप बंद नहीं कर सकता था। अब इन्होंने संख्या बढ़ा करके 300 कर दी है। और बड़कोट में सड़क नहीं होने से ग्रामीणों के सामने परेशानी है। आलम यह है कि मुख्य मार्ग तक गांव से सड़क नहीं होने की वजह से ग्रामीणों को 12 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ रहा है। बड़कोट की ये तस्वीरें पहाड़ में इंसान की जिंदगी के लिए जद्दोजहद की गवाही दे रही हैं। एक बीमार शख्स को ग्रामीण कंधे पर उठाकर अस्पताल लेकर जा रहे हैं। जिन पथरीली पगडंडियों पर इंसान खुद ठीक से नहीं चल सकता, वहां पर एक बीमार शख्स को कंधे पर लेकर जाना बड़ी चुनौती है। गांव के एक शख्स को पैरालिसिस हुआ था, गांव में इलाज की कोई सुविधा नहीं थी। मुख्य मार्ग तक पहुंचने के लिए ग्रामीणों को 12 किलोमीटर की पैदल दूरी नापनी पड़ी। तबीयत खराब हो गई, रात को इसको गांव में लाया गया,
फिर चार चार दो दो आदमी करके इकट्ठे लोग आए हाथ जोड़ करके इस विषम परिस्थिति में इसको मोटर अड्डे के लिए 4 बजे से लोग चल रहे हैं और इसको मोटर अड्डे के लिए जो है अभी 8-9 बजे पहुंचना है और ये दुर्गम स्थिति है। दुर्गम स्थिति की समस्या सरबड़ियारवासी झेल रहे हैं, ये हमारे पास बहुत बड़ी समस्या है। सरबड़ियार क्षेत्र के 8 गांव बुनियादी सुविधाओं से महरूम हैं। सबसे बुरा हाल सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं का है। नेता सिर्फ चुनाव के समय ही नजर आते हैं, उसके बाद ग्रामीण जनप्रतिनिधियों का चेहरा तक देखने के लिए तरस जाते हैं। बड़कोट से नितिन चौहान की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। आ गया 32 आयुर्वेदिक तत्वों से बना नया डाबर दंत रक्षक आयुर्वेदिक पेस्ट। डाबर दंत रक्षक से दिन की शुरुआत तो आयुष्मान दांत। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी कर रही है। राज्य में डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों के साथ साथ पर्याप्त संख्या में कोविड हेल्थ सेंटर और कोविड केयर सेंटर